अनवर थाना क्षेत्र के पंचखेरो जलाशय में हुए नाव हादसे में मृतकों के परिजनों से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अन्नपूर्णा देवी ने जिला प्रशासन को मामले पर संज्ञान लेते हुए दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार से 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बहुत ही दुखद है और एक ही गांव के 8 आदमी और 3 परिवार के 8 आदमी कि जिस तरह से घटना डैम में डूब कर हुई है, बिल्कुल दुखद है। और सबसे पहले तो मृतक परिजन जो है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान को शक्ति दे इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहने का। और साथ ही साथ जिस तरह से चाहे किसी भी और से जो लापरवाही हुई है, एक तो जिला प्रशासन से भी गिरिडीह कोडरमा दोनों ही डीसी एसपी से बात हुई है कि उस पर तो कार्रवाई हो और इसके साथ आने वाले दिन में भी कभी मैंने इस तरह की कोई घटना ना हो उसके लिए सुरक्षा की समुचित व्यवस्था और सेफ्टी मेजर को देखते हुए ही वहाँ पर मान लीजिए नौका विहार लोग करते हैं अगर, तो पूरी जब तक पूरी तरीके से सुरक्षा ना हो, सुरक्षित व्यवस्था पूरा ना हो, तो तब तक अभी वहाँ पर बंद किया जाए, कोई भी नौका विहार ना हो। और आने वाले समय में बात करेंगे, चूंकि अभी जो बात हुई है तो उसके तहत एक तो जो मुआवजा की भी बात है, तो ये भी आग्रह करेंगे सरकार से भी, क्योंकि इस तरह की जो घटना हृदय विदारक घटना हुई है तो सरकार उसमें लोगों को 20-20 लाख कम से कम मुआवजा दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।